हेलो एंड वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स इन आवर चैनल डू मैथ्स। डियर एस्पिरेंट्स, करंट एजुकेशनल सिनेरियो में आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो BHU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर UP BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इन सब में चाहे आपने किसी भी ग्रुप से फॉर्म फिल किया हो, जो डेज वाले क्वेश्चन हैं वो आते हैं। यानी कि इम्पॉर्टेंट डेज पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब पड़ता है, किस डेट को पड़ता है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैंने जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं इन डेज के रिगार्डिंग, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो 25 सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको आज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि जो बच्चे मैथमेटिक्स ग्रुप से फॉर्म फिल किए हैं उनको इस चैनल पर मैथमेटिक्स के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, चाहे वो BHU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर वो BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इन सभी के वीडियोस मैथमेटिक्स के आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और आप किसी भी ग्रुप से फॉर्म फिल किए हों उससे रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल सिनेरियो का वीडियोस है वो भी इस चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे जो हैं डेज हैं। देखिए, इनके बारे में जो जहाँ मुझे लगा है कि कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, क्योंकि वे भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पूछा जाए कि 12th जो जैन है नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो अगर पूछ लिया जाए कि क्यों ये नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम कहेंगे कि क्योंकि इसी दिन जो है स्वामी विवेकानंद का बर्थडे हुआ था। इट मीन्स स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो हमें एक बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। इसी प्रकार से 28th जो फरवरी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, जिसे भी हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। देखिए, इसके बारे में सबसे जो फेमस चीज़ है वो ये है कि आज ही के दिन जो भारतीय महान भौतिकविद सर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। इट मीन्स 28th ऑफ फरवरी 1928 के दौरान उन्होंने ये खोज की थी, और इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो सोचिए कि एक भारतीय के लिए कितनी बड़ी ये उपलब्धि है। 21st फरवरी जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को को द्वारा शुरू किया गया। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, एंड उसी दिन हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। देखिए, इन डेज को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसे एक बार लर्न करने के बाद दोबारा फिर से रिवाइज करें। जितनी बार आप इसे रिवाइज करेंगे, और प्रयास करिएगा कि अपना कोई एक खुद का कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। इट मीन्स कि आप कोई शॉर्ट ट्रिक जो आपको लगता है कि इनमें बनाई जा सकती है, जैसे अगर मैं कहूँगा तुरंत तो हम कहते हैं कि 12 जनवरी को एक व्यक्ति था, वो युवा हुआ, और फिर उसने विज्ञान की पढ़ाई पढ़नी चाहिए, तो 28 फरवरी को उसने विज्ञान की पढ़ाई करना शुरू किया। अब उसको दिक्कत आई कि वो किस लैंग्वेज में पढ़ाई करे, तो उसने अपना मदर लैंग्वेज चूज किया, तो 21 फरवरी को जो है मदर लैंग्वेज में चूज किया। डेट तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिर मदर लैंग्वेज में चूज़ किया, तो उसको महिलाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार की समाज में जो स्थितियां हैं, महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, उन सब चीज़ों को देखता है, तो फिर वो वुमेंस डे सेलिब्रेट करता है और महिलाओं के साथ छड़ता की बात करता है। इस प्रकार से फिर हम इसे अपने कोई भी स्टोरी के रूप में बना सकते हैं। तो आपका अपना खुद का ट्रिक होना चाहिए, आप उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लेकिन आपसे दो चार बार अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। उसके बाद जो 22nd ऑफ मार्च है वो वर्ल्ड डे फॉर वाटर है, इसे भी याद रखेंगे। देखिए, इन डेज के बारे में एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि ये जो डेज हैं इनमें से कभी कभी इनके थीम भी पूछ लिए जाते हैं। तो थीम चूँकि करंट अफेयर्स के पार्ट हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग करंट अफेयर्स, चूँकि आपका एक टॉपिक है, करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो उन करंट अफेयर्स की तैयारी आप कुछ मैगज़ीन, कोई छोटी सी पतली सी मैगज़ीन ले लें। जैसे एक आती है मैगज़ीन न्यूज़ एंड इवेंट के नाम से, घटनाओं के नाम से आती है, बहुत पतली सी मैगज़ीन होती है, मुश्किल से 15 रुपये की मिलती है, वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी। तो मुश्किल से वो 20-25 या 50 पेज होते हैं उसमें, और बहुत पतली होती है वो, तो उस मैगज़ीन के माध्यम से आप इन चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो करंट वाले इशूज़ हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। जैसे कोई इंपॉर्टेंट बुक अगर किसी एजुकेशन पर लिखी गई है, तो उस बुक के बारे में जान लें, कौन है उस बुक का राइटर कौन है उसके बारे में जान लें, इस प्रकार की चीज़ों को देख लें। और कोई इंपॉर्टेंट अगर कमीशन है, तो कमीशन के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हाल फिलहाल में, ये सब चीज़ें देखना आवश्यक है, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है। हालांकि मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ ऐसे जो करंट अफेयर्स के जो हॉट टॉपिक हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाए,
लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से भी प्रयास जारी रखना चाहिए। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, उसी प्रकार से 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डेज यूनेस्को के द्वारा। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी और भी 10-15 कम से कम इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इनको आपको जरूर से लर्न करके रखना है, क्योंकि अगर आपको लर्न नहीं रहेंगे तो शायद क्वेश्चंस आपको छूट सकते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है। 29th ऑफ अगस्त नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 29th ऑफ अगस्त जो नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है, मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि इसे किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है, आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं वो जिनके जन्मदिवस पर ये नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ और देख लेते हैं। देखिए 5 सितंबर आप सभी को पता है टीचर्स डे, इसी दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, तो उनके बर्थडे के रूप में इसको मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं और सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। और 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। देखिए 5 सितंबर को हम भारतीय टीचर्स दिवस मनाते हैं, मतलब कि भारत में जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जब 5 अक्टूबर आता है तो इस दिन हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखेंगे। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, ये भी यूनेस्को के माध्यम से सेलिब्रेट किया जाता है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है, विश्व पर्यटन दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे है। अब देखिए एजुकेशन जो डे है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसको भी हम एक बहुत ही मशहूर हमारे राजनीतिक रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इसी दिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे आप। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। 14 दिसंबर को आप सभी को पता है कि चिल्ड्रंस डे मनाए जाते हैं, चाचा नेहरू का बर्थडे रहा उस दिन, और चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर से चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ ईयर्स और कुछ डिकेड्स की बात कर लेते हैं, कुछ दशक और कुछ वर्षों की बात कर लेते हैं जो कि किसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए याद रखा जाता है। जैसे 1995 से लेकर 2004 तक का जो डिकेड रहा है, इस डिकेड को हम ह्यूमन राइट एजुकेशन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 2003 to 2012 का जो आपका डिकेड रहा है, इसे हम यूनाइटेड नेशंस लिटरेसी डिकेड यानी एजुकेशन फॉर ऑल इसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1970 का जो ईयर रहा है, इसे हम इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी प्रकार से 1990 को हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2005 को इंटरनेशनल ईयर फॉर स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लर्निंग, इस रूप में भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो रहा जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब देखिए आपको कुछ अभी और वीडियोज़ प्रोवाइड करने हैं शायद, जिसमें हमने कुछ एक्ट कुछ रह गए हमारे जो कि मिस हो गए हैं उनको कवर करने हैं, कुछ आयोग के बारे में आपको जानकारी देनी है, और अभी फुल फॉर्म वाला चैप्टर आपका जो वीडियो है वो भी आने को बाकी है। इसी प्रकार से भी कुछ हमारे वीडियो भी अवेलेबल होंगे आपको चैनल पर, तो इन वीडियोस को जो आपको अभी तक प्रोवाइड किए जाते हैं अच्छे से आप उसे देखें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी उससे बेनिफिट ले सकें। तो डियर फ्रेंड, यार हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।